हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट एंड टुडे आवर टॉपिक इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो क्लास 9 का चैप्टर 3 है और आज हम इसका लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एटम। एटम आर वेरी स्मॉल, दैट दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। हम जितनी छोटी से छोटी चीज सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटी चीज क्या होती है, एटम होती है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम को जब आप स्टैक करेंगे, मतलब एटम मिलियंस ऑफ एटम को जब आप एक के ऊपर एक रखेंगे, तो वो कितना थिकनेस का होगा? बेयरली एक शीट की जो थिकनेस होगी, एक पेपर की शीट की जो थिकनेस होगी, उसके इक्वल हो सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटम जो है कितना स्मॉल होता है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इनफैक्ट कि एटम जो है कितना स्मॉल होगा। एटम्स को हम कैसे मेजर करते हैं? हम इसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं। व्हाट इज नैनो? बाय 10^9 मीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, और आई कैन से दैट 10^-9 मीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर किस में चली जाएगी? माइनस में चली जाएगी। या हम कह सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 10^9 नैनोमीटर। नाउ डाल्टन जो थ्योरी थी, उसी ने हमें सबसे पहले ये बताया था कि एटम जो है एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हम जो ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ये हम जो हमारा न्यूली सिलेबस आया है CBSE का, डिडक्ट होके हम उसके हिसाब से जो है अपना सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। तो जो डाल्टन थ्योरी थी, उसने कहा कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के लिए क्या यूज किया, सिंबल को यूज किया। बर्जीलियस आए, बर्जीलियस ने भी क्या किया, एटम्स के एलिमेंट्स के लिए क्या किया, सिंबल को सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम 1 or 2 लेटर नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नेम से ही क्या ले लेंगे, 1 से 2 लेटर हम ले लेंगे और क्या बना देंगे, एलिमेंट का सिंबल बना देंगे। जब अगर हम डाल्टन के सिंबल की बात करें, तो डाल्टन ने एक स्पेसिफिक नोटेशन दी हर एक एलिमेंट्स के लिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए एक डॉट दी, फॉस्फोरस के लिए ये सिंबल दिया, कार्बन के लिए ये सिंबल दिया, बट ये जो नोटेशन थी ये फिक्स नहीं थी और ये जो थी ये स्टैंडर्ड नहीं थी, ये हर जगह क्या थी, अलग अलग थी। तो डाल्टन नोटेशन जो है वो ज़्यादा चली नहीं। नाउ अ डेज जो है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई। वो क्या करती है, दैट अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट्स सिंबल्स एंड यूनिट। क्या है, में जितने भी कंट्रीज होंगे उनको स्पेसिफिक चीज फिक्स कर देती है ये जो इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि सपोज कीजिए 1 kg, 1 kg में जितना वेट यहाँ पे होगा, सेम वेट जो है लंदन में होगा, सेम वेट ऑस्ट्रेलिया में होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाइए आप, 1 kg का जो अमाउंट होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1 kg कुछ और है, कहीं और चले गए तो 1 kg का अमाउंट कुछ और है। अब ये जो 1 kg है ये फिक्स किसने कर दिया, IUPAC ने फिक्स कर दिया। सेम वे में इन्होंने क्या कर दिया, एलिमेंट के सिंबल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कहा, मैनी ऑफ सिंबल आर फर्स्ट और 2 लेटर्स ऑफ एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल तो कैसे दे दिए, कि उन्हीं के नेम में से 1 या 2 लेटर दे दिया। फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल, पहला लेटर जो है कैपिटल लिखा जाएगा, और जो सेकंड लेटर लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल लिखा जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए 1 ही लेटर यूज करते हैं हम H, एल्यूमिनियम के लिए A इज कैपिटल एंड L क्या है, स्मॉल है, हम इसको कैपिटल AL नहीं लिख सकते। फॉर कोबाल्ट इज C एंड स्मॉल O, नॉट कैपिटल C एंड कैपिटल O। नेक्स्ट, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन इट्स नेम। जैसे कि क्लोरीन की अगर हम बात करें, तो क्लोरीन कैपिटल C एंड L, कहीं से भी रैंडमली हमने क्या कर लिया, एक लेटर को पिक कर लिया और उसको क्या कर दिया, स्मॉल लिख दिया। जिंक को, जैसे कि जिंक को कैसे लिखते हैं, Zn, ये IUPAC ने दिए हैं, उन्होंने ही क्या कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया कि क्लोरीन को हम Cl से ही डिनोट करेंगे, हम इसको किसी और चीज से डिनोट नहीं कर सकते। ओके, कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं
उनके क्या कर दिए, उनके लेटिन जर्मन या ग्रीक नेम से उनके क्या कर दिया, सिंबल को स्पेसिफाई कर दिया। जैसे कि आयरन का जो सिंबल होगा वो एफ ई होता है। अब ये एफ ई क्यों होता है, क्योंकि आयरन को लैटिन में क्या बोलते हैं, फिरम बोलते हैं। फिरम के हिसाब से उसका सिंबल क्या हो गया, एफ ई, एफ कैपिटल एफ एंड ई। सेम वे में सोडियम एन ए, क्यों है इसका सिंबल एम एन ए सोडियम का, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, नेट्रियम बोलते हैं, तो एन ए हो गया। सेम वे में पोटेशियम का सिंबल इज के वाई, बिकॉज इट इज कम फ्रॉम लैटिन एंड दे देयर इट इज कॉल्ड कैलियम। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का क्या हो गया, एक यूनिक केमिकल सिंबल हो गया। नाउ जैसे कि देखिए, एल्यूमिनियम का Al, बेरियम Ba, कैल्शियम Ca, आयरन Fe, आयोडीन I, हाइड्रोजन H, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, हर एक एलिमेंट का क्या होगा, एक स्पेसिफिक सिंबल होगा। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। कोई भी एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास भी होगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी, उन्होंने ही क्या प्रपोज किया था, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, मतलब कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मास जो है हर एक एलिमेंट का होगा। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम बहुत डिफिकल्ट काम था ये, तो क्या किया गया, एक रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास को क्या किया गया, डिटरमाइन किया गया। मतलब हम हर एक एलिमेंट के स्पेसिफिक मास को डिटरमाइन अलग अलग नहीं कर सकते थे, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट चीजें हो रही थी, बहुत डिफिकल्टी थी उसको मेजर करने के लिए। तो हमने क्या किया, एक रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लेके आए। मतलब हमने क्या किया, किसी को स्टैंडर्ड रखा और उसके हिसाब से हमने सबका मास को क्या किया, मेजर किया। देखिए क्या किया हमने, और जो ये मास है ये हमने किस में मेजर किया, यू में। यू को हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। और हम ये कह सकते हैं जो हमने मास मेजर किया एलिमेंट्स का, वो हमने मेजर किया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये रिलेटिव मास कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, चलिए समझते हैं इसको। 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कि जो एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट जो है, शॉर्ट फॉर्म है AMU, दैट इज कार्बन 12 आइसोटोप, वाज चूजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड किसको ले लिया, C12 आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप आर दो स्पीशीज विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कि कार्बन की बात करें, C6 12 एंड C6 14, दो आइसोटोप मेनली होते हैं कार्बन के। तो हमने कौन सा आइसोटोप ले लिया, C6 12 वाला आइसोटोप, क्या किया, स्टैंडर्ड रेफरेंस में लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, वन एटॉमिक मास यूनिट, वन AMU किसके इक्वल होगी, एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। कार्बन 12 का जो भी वेट होगा, सपोज करो x होगा, तो हमने क्या कर दिया, उसका 12th पार्ट ले लिया। वो किसके इक्वल होगा, एक AMU के इक्वल होगा। C12 के 12th पार्ट के इक्वल क्या होगी, एक AMU होगी। तो जो रिलेटिव मास है हर एक एलिमेंट का, वो किसके रिस्पेक्ट में हमने मेजर किया, C12 के रिस्पेक्ट में मेजर किया। फिर से बता रही हूँ क्या है, कार्बन के 12th आइसोटोप का, C12 आइसोटोप का जो भी वेट होगा, सपोज करो एक्स है, तो हमने उसका क्या कर दिया, X/12 कर दिया। इसको हम क्या कह रहे हैं, एक AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट कह रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, सपोज करो एक फ्रूट सेलर है और उसके पास कोई भी चीज स्टैंडर्ड नहीं है जिससे वो फ्रूट को मेजर कर सकता है, बट उसके पास एक वाटरमेलन है, और वाटरमेलन जो है उसमें 12 यूनिट्स हैं जो इक्वली क्या कर सकता है, वो कट कर सकता है। तो उसने क्या किया, 12 यूनिट्स को इक्वली कट कर दिया, वाटरमेलन के 12 पीसेस कर दिए। अब अगर उसको एक को सेल करना है तो वो क्या करेगा, रेफरेंस इनसे ले लेगा। मतलब इसको कैसे मेजर कर सकता है, इनको स्टैंडर्ड लेके वो मेजर कर सकता है, और वो इसी ऐसे ही उसको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो फ्रूट जो सेल किए उसने, वो कैसे किए, फ्रूट मास यूनिट से, FMU से। सेम वे में एटम्स की मैं बात करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, AMU।
और एटम में रेफरेंस हमने किसको लिया, यहाँ तो किसको ले लिया, वाटरमेलन की स्लाइसेस को ले लिया, और वहां हम किसको ले रहे हैं, C12 आइसोटोप को ले रहे हैं। अब देखिए एक चीज और देखिए यहाँ पे, अगर आपको इसका वेट करना है तो आप क्या कर देंगे, वाटरमेलन के वेट का क्या कर देंगे, 12th पार्ट कर देंगे। सेम वे में वाटरमेलन आप यहाँ क्या इमेजिन कर सकते हैं, C12 आइसोटोप इमेजिन करें और उसका क्या कर दे, 12th पार्ट कर दे, तो आप क्या कर देंगे, एक स्लाइस का क्या कर देंगे, वेट निकाल पाएंगे। तो एटम जो है इतना स्मॉल होने के बावजूद एग्जिस्ट कैसे करता है, तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम जो है कई बारी कुछ एलिमेंट्स के वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो या तो मेनली किस में मिलते हैं, एज अ मोलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं या फिर आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। जो मोलिक्यूल और आयन है वो एग्रीगेट इतने अमाउंट में इकट्ठे होते हैं, लार्ज अमाउंट टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी फील और टच, हम उनको देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोलिक्यूल। अब मोलिक्यूल होता क्या है, हमने पढ़ा कि एटम जो है वो मोलिक्यूल और आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज मोलिक्यूल। मोलिक्यूल जो है अ जनरल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड टूगेदर, इट इज टाइटली हेल्ड टूगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। मोलिक्यूल जो है किससे बना है, एटम से। देखिए हाइड्रोजन इज अ एटम, ऑक्सीजन इज अ एटम, बट O2 इज अ मोलिक्यूल। दो ऑक्सीजन साथ में जुड़े तो क्या बन गया, मोलिक्यूल बन गया। सेम वे में हाइड्रोजन इज एटम प्लस O2 गिव्स अस H2O, इट इज ऑल्सो अ मोलिक्यूल। अ मोलिक्यूल कैन बी डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि O2, ऑक्सीजन, H2O, ये क्या है, देखिए एक सिंगल यूनिट है वाटर की, ये एक सिंगल यूनिट है डायएटोमिक ऑक्सीजन की, इतनी है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट एनी सपोर्ट, और ये सारी प्रॉपर्टी शो करती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। तो ये ऑक्सीजन की देखिए, O2 डायएटोमिक ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ मोलिक्यूल। देखिए सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑक्सीजन, और डिफरेंट एलिमेंट जैसे कि H2O ज्वाइन करके क्या बना सकते हैं, मोलिक्यूल बना सकते हैं। नाउ एटम्स ऑफ एलिमेंट, जब देखिए सेम एलिमेंट जो है कंबाइन होंगे तो वो किसको बनाएंगे, मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को बनाएंगे। मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय सेम टाइप ऑफ एटम। यहाँ पे एटम का टाइप क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे O2, O3, या हम सिंपली कह सकते हैं आर्गन। देखिए आर्गन जो है एक नोबल गैस है, तो वो AR एग्जिस्ट कर सकती है। हीलियम इज ऑल्सो नोबल गैस, तो ये HE अकेले एग्जिस्ट कर सकती है। बट यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं नॉन मेटल के केसेस में जो एक या एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, तो ये O2 एग्जिस्ट करती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मोलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, मोलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम से बना है वो उसकी क्या होगी, एटोमिसिटी होगी। नाउ मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अब कंपाउंड क्या होंगे, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टूगेदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अलग अलग, जैसे कि H2O इज अ मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड O2 इज मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, जैसे H2O NH3CO2। नाउ व्हाट इज रेशियो बाय मास, अगले उसमें समझाती हूँ मैं आपको, इसमें समझते हैं। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है, ये लॉ क्या कहता है, दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट प्रपोर्शन होंगे किसमें, मास में। अब ये जो है ये प्रोस्ट लॉ से भी कभी कभी जाना जाता है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ही ये लॉ दिया था। इस लॉ को हम दूसरी लैंग्वेज में कहें और अगर मैं कहूँ एक और डेफिनेशन, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन स्टेट दैट केमिकल कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास।
अब इस चीज को मैं आपको समझाऊं तो इस पिक्चर से समझिए। देखिए वाटर, वाटर कैसे बनेगा, एच टू ओ गिव्स अस एच टू। जो आपका हाइड्रोजन है वो यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, दो, और ऑक्सीजन का कितने एटम है, एक। ठीक है, देखिए आप डिफरेंस भी समझ पा रहे होंगे। अगर एक हाइड्रोजन होता तो वो क्या होता, एटम होता। अब दो हाइड्रोजन एटम मिल गए हैं तो उन्होंने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। और अगर मैं आपको कहूँ H2O क्या है, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वेट जो होता है वो होता है 1। तो दो हाइड्रोजन है तो कितना वेट हो गया यहाँ पे, 2। एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका वेट होता है 16, दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज ऑल्सो AMU। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ टोटल वेट, 2, और यहाँ पे कितना वेट हुआ, 16। अगर आप इसको कट ऑफ करेंगे तो ये क्या आएगा, 1:8। यही कहा किसने, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ने, कि जो मास रेशो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब अगर आपको वाटर ही फॉर्म करना है तो आपको हमेशा वोट हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रखना पड़ेगा, 1:8। देखिए हमने यहाँ दो दो मॉलिक्यूल ले लिए, हमने क्या फॉर्म कर लिया, यहाँ तो एक एच टू ओ फॉर्म किया था, यहाँ हमने दो एच टू ओ फॉर्म किए, दो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किए। देखिए यहाँ टू टू कितना हो गया, 4। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1। 4 का कितना होगा, इंटू 4, तो कितना हो गया, 4। एक ऑक्सीजन का वेट 16, कितना ऑक्सीजन है, 2, तो कितना हो गया, 32। अब यहाँ देखिए इसको आप कट ऑफ करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 1:8। तो जो आपका रेशो होगा मास का वो क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, अगर आपको एक पर्टिकुलर क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। सो थैंक यू, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।